हेलो लर्नर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और ये हर पेपर में पूछता है, चाहे वन डे एग्जाम्स हो आपके, ठीक है, कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम इज़ यूजली डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड फाइनल गुड्स ऑन सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली वन ईयर। राष्ट्रीय आय को आमतौर पर किसी विशेष अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, नेशनल इनकम का मतलब ये हुआ कि एक फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब हुआ एक साल में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के टाइम स्पैन पर हमारे पास जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक, या जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का उनकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जितना हमारे पास जितनी भी इनकम ने जनरेट की और जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी या जितने जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, राष्ट्रीय आय हम उसे कहते हैं। दूसरा है, फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के मापक निम्नलिखित हैं। पहला है ए, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। बी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सी है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। डी जो है वो पीआई, पर्सनल इनकम, जो व्यक्तिगत आय है। ई जो है डीपीआई, डिस्पोजल पर्सनल इनकम, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय। पहला इनकम जो हम पढ़ेंगे, इसका मेजर्स हैं, पहला है आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली वन ईयर। मतलब कहता है कि जीडीपी जो किसी की विशेष अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। अब समझते हैं क्या होता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। और सकल घरेलू उत्पाद मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर के टाइम स्पैन पर इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री जहां तक फैली हुई है, इस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कमाई गई सारी इनकम, चाहे वो कोई भारतीय या विदेशी के द्वारा हो, इन दोनों को हम क्या करते हैं, फिर इसी को हम घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। जीडीपी का मतलब हो गया चाहे वो इनकम से, जो इनकम हमारी हो गई, या जो फॉरेन से कमाई हुई, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब था सकल घरेलू उत्पाद की एक फाइनेंशियल ईयर के टाइम स्पैन पर इंडिया की जितनी भी डोमेस्टिक बाउंड्री है, मीन्स जहाँ तक फैली है, और जितनी भी उस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितनी भी कमाई गई सारी इनकम, चाहे वो हमारी भारतीय या विदेशों के फॉरेन के द्वारा हुई हो, वो सारी हमारी जीडीपी में आएगी। दूसरा पॉइंट कहता है कि दस वी कंसिडर्ड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई बोथ रेसिडेंट सिटीजन्स एंड फॉरन नेशनल्स विथ रिसाइड विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री। यही मैंने बताया कि चाहे वो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री में, चाहे किसी भारतीय या विदेशी के द्वारा जो कमाई गई हो, ठीक, इसमें हम सभी वस्तुओं सेवाओं पर विचार करते हैं जो उस निवासी और विदेशी नागरिक द्वारा उत्पादित की जाती है, देश के सीमा के भीतर ही रहती है, ठीक। तो जीडीपी का मतलब ये हुआ कि जो हमने इनकम जनरेट की है, और प्लस जो फॉरेन से, ठीक। दूसरा मेजर है, कुछ एग्जांपल्स इसके उदाहरण दिए हैं। पहला, सपोज देयर आर 100 करोड़ इंडियंस हु केयर रुपीज 100 करोड़ इंडियन टेरिटरी एंड 1 करोड़ फॉरेनर्स हु अर्न्स रुपीज 10 करोड़ इन इंडिया टेरिटरी एंड इट्स अप टू देयर पर्सपेक्टिव। मान लीजिए कि 100 करोड़ जो भारतीय हैं, ठीक, और जो भारतीय क्षेत्र में 100 करोड़ कमाते हैं, तो 1 करोड़ विदेशी भारतीय और 100 करोड़ कमाते हैं, तो वो क्या होंगे, इससे अपने संबंधित देशों को भेजते होंगे, ठीक। तो इसने क्या किया, जीडीपी हमने कितना कमाया, 100 रुपये, और प्लस ये जो आपका 100 करोड़, और प्लस क्या है यहाँ पे 10 करोड़ हमने ऐड कर, तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 110 करोड़। तो ये हमारी क्या हो गई, जीडीपी हो गई, ठीक है। तो विदेशी रहने वाले कितने थे, 10 करोड़ थे, ठीक, और भारतीय होगा तो टोटल कितने, ठीक है। तो विदेशी में रहने वाले 10 करोड़ थे भारतीय, और 40 करोड़ कमाते थे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100, यहाँ पर जीडीपी कितनी हो जाएगी, 110 करोड़,
दूसरा है GNP, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम जब नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP इज डिफाइन एज द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। GNP को एक विशेष अवधि के दौरान भारत के साथ साथ विदेशों में भारतीयों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, तो GNP इसमें यहाँ क्या कह रहा है कि GNP जो होता है, GDP भी उसमें रहता प्लस जितने भी नेट फॉरेन इनकम होती है। ठीक, अब नेट फॉरेन इनकम जो होती है, इनकम जो इंडियन लिविंग रहते हैं आउटसाइड इंडिया माइनस इनकम ऑफ फॉरेन लिविंग आउटसाइड, वही हमारी GNP होती है, मीन्स नेशनल। ठीक है, इसमें हो जाएगा GDP और नेट फॉरेन इनकम दोनों हो जाएगा। GNP को GDP में कन्वर्ट करने के लिए हम GNP से MEI लेस करते हैं। ठीक, GNP इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाई रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वेयर इज इनकम ऑफ द फॉरेन हु रिसाइड्स ऑफ इंडिया इज एक्सक्लूडेड। GNP में किसी देश के निवासी और अनिवासी नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य शामिल है, जबकि भारत में रहने वाले विदेशियों की आय को बाहर रखा गया है। मीन्स नेट फॉरेन इनकम क्या होगा हमारा, इनकम ऑफ इंडियन लिविंग आउटसाइड इंडिया माइनस इनकम ऑफ फॉरेन लिविंग इनसाइड इंडिया। तीसरा इसका भी एक एग्जांपल है, बताते हम लोग नेक्स्ट। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इट इज़ अ कैलकुलेटेड बाई डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटाकर की जाती है। ठीक, जब ये नेट की बात करेगी, नेट का मतलब हो गया शुद्ध, जब नेट वैल्यू की बात करेगी, जो भी नेट की वैल्यू बात करेगी, तो डिडक्शन को हम क्या करेंगे, हटा कर बात करते हैं। और क्या डिडक्शन हम करेंगे, डेप्रिसिएशन, उसी डेप्रिसिएशन से हम जानते हैं। तो ग्रॉस से हमेशा क्या डेप्रिसिएशन लेस होगा, तो मेरे पास क्या आएगा, नेट। जब भी नेट की बात करें तो वहाँ किसकी बात कर रहा है, डेप्रिसिएशन। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है इज इक्वल टू GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। नेट की बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे कि वो किसी से घटाकर, मीन्स उसको डेप्रिसिएशन से डिडक्शन करके जो आएगी। फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट इंकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कारक लागत, वस्तुओं और सेवा को उत्पादन करने के लिए। फैक्टर कॉस्ट जो होता है द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो हम बना कर तैयार करना करते हैं, तो वो क्या होती है, कारक लागत, मीन्स फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट प्राइस वी एड इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड डिडक्ट सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट इन फैक्टर कॉस्ट। बाजार मूल्य की गणना के लिए हम अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं और सरकार द्वारा कारक लागतों में दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करते हैं। तो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, और NNP एट फैक्टर कॉस्ट होगा, NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब जानते हम लोग मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे प्रोडक्ट को हम बेचते हैं, द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है, इसमें आकर जो बिकता है, तो मार्केट प्राइस जो होती है हमारी फैक्टर कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी से लेस होती है, तो वो मार्केट प्राइस होती है। NNP फैक्टर कॉस्ट जो होती है मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडी। ठीक है, नेक्स्ट है डी पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय, इट इज द सम ऑफ द ऑल द इनकम रिसीव बाय द पीपल ऑफ द कंट्री इन अ वन ईयर, यह एक वर्ष में देश के लोगों को प्राप्त सभी आय का योग। मतलब ये किसका टोटल है, जितना भी इनकम हमें मिला, सबकी पर्सनल व्यक्तिगत आय, इसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स अनडिस्क्लोज प्रॉफिट ऑफ कॉरपोरेट प्लस पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटीज प्रोविजन। मीन्स व्यक्तिगत आय जो होती है हमारी कुल राष्ट्रीय आय होती है, हस्तांतरण भुगतान और जो सामाजिक जो सुरक्षा रहती है उसको लेस करके जितने भी हमारे भुगतान का अज्ञात लाभ, मीन्स सोशल सिक्योरिटी। ठीक, ट्रांसफर पेमेंट्स आर द पेमेंट दैट आर अगेंस्ट एनी प्रोडक्टिव, एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन्स एम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन। हस्तांतरण भुगतान वे भुगतान जो किसी भी उत्पाद कार्य के खिलाफ नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट हमारे क्या होते हैं कि जो भी किसी के अगेंस्ट
ना हो किसी भी उत्पादक के, ऐसा हो गया बेरोजगारी हो गई, मुआवजा हो गया ये। सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयज टूवर्ड्स पीएफ। ठीक, सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस का मतलब हुआ कि जो हमारे पीएफ होते हैं, जो इंश्योरेंस होते हैं, बीमा वगैरह होते हैं, जो प्रोविडेंट फंड जो मिलता है, तो ये सारे हो गए। लास्ट है जो डिस्पोजल पर्सनल इनकम, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय, इनकम अवेलेबल टू इंडिविजुअल आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक, मीन्स प्रत्यक्ष करों में जो कटौती हो जाती है इनकम के बाद, वही हमारी डिस्पोजल पर्सनल इनकम होती है। ठीक, तो डिस्पोजल पर्सनल इनकम जो होता है, पर्सनल इनकम में से जो डायरेक्ट टैक्सेस को हम लेस करते हैं, वही हमारी डिस्पोजल पर्सनल इनकम होती है। तो प्रयोज्य व्यक्तिगत आय इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। डिस्पोजल पर्सनल इनकम मीन्स प्रयोज्य व्यक्तिगत आय जो होती है हमारी, इनकम अवेलेबल टू इंडिविजुअल आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों में से कटौती के बाद जो व्यक्तिगत के लिए, व्यक्तियों को जो उपलब्ध होती है, वही हमारी डिस्पोजल इनकम पर्सनल इनकम होती है। नेक्स्ट है रियल एंड नॉमिनल इनकम, वास्तविक आय और नाममात्र आय। अब रियल इनकम क्या होती है और नेशनल क्या नॉमिनल इनकम, इफ़ वी यूज़ बेस ईयर प्राइसिंग फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दिस इज कॉल्ड द रियल इनकम। अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना, अगर हम आधार वर्ष के मूल्य का प्रयोग करते हैं, आधार वर्ष बेस ईयर मान के, तो वो हमारा रियल इनकम होगा। और नॉमिनल इनकम तब होगा जब हम राष्ट्रीय आय की गणना किसी वर्तमान वर्ष के मूल्य का उपयोग करते हैं। ठीक, बेस ईयर हम जब मानेंगे, रियल इनकम निकालेंगे, और जब हम वर्तमान आय विशेष वर्ष की हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, तो उसे हम नॉमिनल इनकम कहते हैं। तो वही कहा है कि इफ यूज़ पर्टिकुलर ईयर करंट ईयर प्राइस फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दिस इनकम इज कॉल्ड नॉमिनल इनकम। यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विशेष वर्ष मूल्य का उपयोग करते हैं, तो आय को नाममात्र आय कहा जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि नेशनल इनकम और राष्ट्रीय आय क्या होती है और उसके मेजर्स क्या हैं पाँचों। ठीक है, थैंक यू।